संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने कैंपेनिंग शुरू कर दिया है। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के बदौलत पुनः एक बार सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के राणेश्वर प्रखंड अंतर्गत रखाल पहाड़ी गांव में भाजपा नेता श्याम मरांडी ने आदिवासियों के साथ एक बैठक कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं को लोगों को गिनाकर लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार राज्य में महिलाओं को आत्मसम्मान देने का कार्य किया है वहीं धुएं से परेशान महिलाओं को गैस चूल्हा पीएम आवास और एक रुपए में जमीन रजिस्ट्री कर देने का कार्य भी यही सरकार की है। यही नहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रुप लोन देकर पैरों में खड़ा होने का कार्य भी किया है जो 40 साल में जेएमएम नहीं कर पाई। बैठक में काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं और सभी ने अपनी अपनी वक्तव्य रखा और एक बार पुनः रघुवर सरकार को लाने की कवायद की। जैसे कि हम लोग का अभी यहाँ भाजपा सरकार उजाला योजना और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना और जैसे सुकन्या योजना वो सब योजना जो अभी निकाले हैं इसीलिए कि हम लोग भाजपा सरकार को ही चाहते हैं जेएमएम को। इसलिए के जैसे कि 40 वर्ष तक जब उसका राज था तो अभी तक काम तो नहीं हुआ है इसीलिए के हम लोग बीजेपी को ही सपोर्ट। आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है 40 साल से जब जेएम पार्टी चला रहा था जब उस समय से कुछ नहीं मिल रहा था और जब से बीजेपी सरकार आया है तब से हम महिलाओं को बहुत सम्मान मिला है क्योंकि हम लोग को उजाला योजना मिला, सोच के लिए शौचालय दिया, रहने के लिए आवास दिया। इसलिए हम लोग बीजेपी को ही पसंद करते हैं और हमारे क्षेत्र के लिए यही उम्मीद है कि बीजेपी सरकार ही दोबारा बने। लेकिन गुरुजी जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी माने जाते हैं और गुरुजी ने आज आदिवासियों को जो चलना सिखाया बोलना सिखाया तो कहीं ना कहीं उसकी देन इसको आप किस रूप से देखते हैं? जहाँ तक कि गुरुजी चलना सिखाया था वहाँ तक के लिए ठीक है, वो हम लोग को रास्ता दिखाया पर वो विकास के लिए कुछ नहीं किया। हम लोग यहाँ पर सीखे जो हम लोग को पसंद आएगा जो हम लोग को बात मानेगा वही हम लोग को वोट में जिताएंगे। जेएमएम का अपना सीट है नहीं, जेएमएम का अपना सीट था और वो भी मैंने इस क्षेत्र का जितना ग्रामीण जनगण था ना जनताओं का ये सबको गलत उलत पढ़ा के ये लोग अपना वोट लिया था। आज जनता पूरा पूरी जग चुका है और निश्चित रूप से ये भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और झारखंड में जो रघुवर दास के नेतृत्व में जो चल रहा है इसका जो विकास का कार्य देख के ये पूरा जनता मन बना चुका है कि ये हर हाल में यहाँ अभी भाजपा का जीत तय है। क्यों दे भाजपा को लोग वोट? भाजपा को वोट अभी मांगने का नौबत ही कोई नहीं है क्योंकि आदमी ही चाहता है कि भाजपा को वोट दे। आज देखिए ऐसा था कि आदिवासी क्षेत्र में आप जहाँ जाइएगा तो आदिवासी महिला का साफ कहना है कि आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग गैस का चूल्हा में खाना बनाएंगे या पक्का मकान बना के रहेंगे और या हम लोग अपना शौचालय में सोच करेंगे। ये डायरेक्ट ये उस क्षेत्र का आदिवासी हो नॉन आदिवासी हो जितने भी व्यक्ति यहाँ लाभान्वित है इन लोगों का साफ कहना है कि ये इतनी काम किया है कि हम लोग अपने ही वोट देंगे भाजपा चाहे द्वार में आए या ना आए। चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग भाजपा को वोट